हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फैशन विद चेतना। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक स्कर्ट जिसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टाइल किया है। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो स्कर्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये स्कर्ट है। इस स्कर्ट को आपने मेरे सरोजनी नगर हॉल में देखा होगा। ये स्कर्ट मैंने सरोजनी मार्केट से 200 रुपीज में परचेस करी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस स्कर्ट को मैं कितने तरीके से पहनती हूँ और कितनी ड्रेसेस मेरे लिए बन सकती है। तो गाइज, मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि इस स्कर्ट को मैंने कैसे स्टाइल किया। और वीडियो में जाने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइज, मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि मैंने इस स्कर्ट को कैसे डिफरेंट तरीके से स्टाइल किया है। जो मेरा फर्स्ट लुक है उसके अंदर मैंने स्कर्ट के ऊपर नॉर्मल वाइट कलर का चिकनकारी कुर्ता पहना है और उस पर एक दुपट्टा, शॉर्ट दुपट्टा लगा लिया है, और विद बैंगल्स और बिंदी और नॉर्मल झुमकी के साथ में मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है। आपने देखा होगा इस तरह का लुक जो रिसेंटली है अभी सारा अली खान ने वेयर किया था, और आप कॉलेज के पर्पस से इस लुक को रेडी कर सकते हो। बहुत ही डिसेंट लुक है ये, और ये मेरा फेवरेट लुक भी है। मेरे नेक्स्ट लुक में मैंने वियर करी है लॉन्ग स्कर्ट को एक वाइट कलर की शर्ट के साथ में, जो कि कॉलर वाली है, और उसके साथ में मैंने वियर किया एक नेक पीस और एक हाई पोनी बना के मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है, और साथ में स्लिपर वियर किए हैं। तो इस तरह का लुक जो है बहुत ही ट्रेंडी है, आप कॉलेज में इस तरह का लुक जो है रेडी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट जो मेरा लुक है वो मैंने इस स्कर्ट को एज ए मैक्सी ड्रेस यूज़ किया है। इस शर्ट को पहनकर फ्रंट वेस्ट साइड से इसको नोट बनाया है, तो एक तरह की मैक्सी ड्रेस रेडी हो गई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और इसमें मैंने वियर किया एक चोकर, और नॉर्मल आप पहन सकते हैं बेली और कैजुअल शूज़, तो ये बहुत ही अच्छी मैक्सी ड्रेस लगेगी। मेरे नेक्स्ट लुक में मैंने इस स्कर्ट को यूज़ किया है एज ए ऑफ शोल्डर मैक्सी ड्रेस, और एक कैप लगाकर मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है। इस तरह का लुक जो है बीच एरिया पे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली आप जब घूमने जाते हो तब। नेक्स्ट लुक में मैंने इस स्कर्ट को एज ए मैक्सी ड्रेस ही यूज़ किया है, और इसके ऊपर एक श्रग वियर किया है, और साथ में एक हैंड बैग लिया है जो कि बहुत ही फंकी लुक दे रहा है। तो आप इस तरह का लुक जो है रेडी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा लुक भी है, बहुत ट्रेंडी लुक भी है, और नेक में चोकर पहन सकते हैं और बेलीज पहनकर इस लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट लुक में मैंने एक नॉर्मल प्लेन रेड कलर की टी शर्ट पहनी है, आप चाहें तो ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, और इस मैक्सी ड्रेस पर जो लेसेस थी मैंने उनको एज ए टाई किया है नेक के पीछे, तो ये एक तरह की मैक्सी ड्रेस रेडी हो गई है डिफरेंट तरीके से। तो ये लुक भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सिंपल है। अगेन, आप इस लुक को रेडी कर सकते हैं और इसके साथ में कैजुअल शूज़ पहनकर इसको कैजुअली रेडी कर सकते हैं, कैजुअल ओकेज़न के लिए इस ड्रेस को रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा लुक है वो बहुत ही कॉमन है, लॉन्ग स्कर्ट के साथ में टैंक टॉप वेयर किया है, और लॉन्ग नेक पीस और इयररिंग्स के साथ में मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है, जो कि बहुत सिंपल, इजी और ट्रेंडी और बहुत ही कॉमन लुक है। आप लोग इसे इजीली रेडी कर सकते हैं। आप हर तरह की हेयर स्टाइल जो है इस लुक के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक से मेरे वीडियो वॉच कर सकते हो, और आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे जीमेल पे पूछ सकते हो मेल करके। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और आप अगर इस टाइप के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।